दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के डिस्कशन का शेयर है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी स्टील ट्यूब्स बनाती है, स्टील के पाइप्स बनाती है, रिजिड पीवीसी के पाइप्स बनाती है, जीआई के पाइप्स बनाती है और स्क्वायर सेक्शन बनाती है जो इंडस्ट्रीज में स्ट्रक्चर्स में काम आता है। अभी एक न्यूज आई है कि कंपनी एक सब्सिडरी ओपन कर रही है जिसका नाम है रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई है। अब काम डिफेंस मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के बाद ही शुरू हो पाएगा। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने 352 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 1 करोड़ का लॉस था। 2021 में कंपनी ने 470 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 10 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में कंपनी ने 768 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 27 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में कंपनी ने 1,336 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 25 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में कंपनी ने 1,046 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 29 करोड़ का प्रॉफिट था। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 0.93, फिर 7.21, फिर 16.41, फिर 1.22, फिर 0.5। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2020 में 0.91, 21 में 0.82, 22 में 1.09, 23 में 0.77, 2024 में 0.43। कंपनी ने 2024 में कर्ज को काफी कम किया है। कर्ज को कम करने में कंपनी ने 2024 में सफलता पाई है। जहां तक रिवेन्यू की बात है, पिछले साल 5 सालों के रिवेन्यू पे एक नजर डाली जाए तो 2020 में 352, फिर 470, फिर 768, फिर 1,336, लगातार 4 साल रिवेन्यू बढ़ा है। इवन 2021 कोविड के टाइम पे भी रिवेन्यू बढ़ा है और 2024 में आके कुछ रिवेन्यू रिवेन्यू करीब 30% कम हो गया, 30 से 32%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। तो कुल मिला के कंपनी ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 2000 पिछले 5 सालों में 2024 को छोड़ दें तो रेवेन्यू जनरेशन में कंपनी लगातार प्रयासरत है और कर भी रही है। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 1 करोड़ का लॉस था, फिर 10 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 27 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 25 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 29 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी बना रही है। रिवेन्यू 2024 में जरूर कम था, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आजकल इंडस्ट्रीज में भी बूम है, रियल सेक्टर में भी बूम है। तो इस तरह के प्रोडक्ट निश्चित रूप से डिमांड में है और आगे इनकी डिमांड बनी रहेगी अगले 10 से 15 साल तक। कंपनी ने पिछले 5 सालों में कर्ज को 2024 में काफी कम किया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 312 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 7.46 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 के क्वार्टर में कंपनी ने 203 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 6.58 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 क्वार्टर की अगर बात करें तो 262 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 8.92 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 268 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, 7.65 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 जून 2024 क्वार्टर की अगर बात करें तो कंपनी ने 216 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 6.2 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 23 क्वार्टर को जून 24 क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो जून 24 के क्वार्टर में रिवेन्यू काफी कम था, करीब 33% रिवेन्यू कम था। प्रॉफिट की बात करें तो जून 23 में 7.46 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि जून 24 के क्वार्टर में 6.2 रह गया। तो प्रॉफिट भी कम हुआ, हो सकता है प्रॉफिट, क्योंकि रिवेन्यू कम है तो प्रॉफिट भी कम है। तो जून 23 के कंपैरिजन में जून 24 का क्वार्टर अच्छा नहीं था।
एफआईज का शेयर 0.5% है, डीआईज के शेयर नहीं है, पब्लिक के शेयर 43.61% है, प्रमोटर के शेयर 56.33 है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 से कम है 0.43 है, कर्ज पिछले वर्षों से कम हुआ है, सॉरी रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो रिजर्व बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से, कर्ज बोरोइंग की बात करें तो 145 करोड़ कर्ज का रेशियो कम हुआ है। तो कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि कर्ज को कम किया है, रिजर्व को बढ़ाया है और कर्ज को कम भी किया है, डेट टू इक्विटी के रेशियो को काफ़ी कम किया है। प्रमोटर के शेयर 56% हैं, अभी भी ठीक ठाक परसेंटेज है प्रमोटर्स के शेयर्स की। डीआईज ने भी कुछ इंटरेस्ट लिया हुआ है, एटलीस्ट 0.5% शेयर एफआईज ने भी ले रखा है। फेस वैल्यू शेयर की समय 1 रुपये है, बुक वैल्यू 2 रुपये 16 पैसे है, 52 वीक लो 9 रुपये 90 पैसे है, 52 वीक हाई 16 रुपये 83 पैसे है। 20 अगस्त 2024 को शेयर की वैल्यू 11 रुपये 13 पैसे थी। स्टॉक का पी 58.58 है, सेक्टर का पी 30.68 है, डिविडेंड यील्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है, बोनस की हिस्ट्री है जो आगे मैं बताता हूँ आपको। कंपनी ने 3 बार बोनस दिया है और अच्छे खासे रेशियो में दिया हुआ है। 2016 में एक शेयर पे 4 शेयर का बोनस दिया है, 2022 में 1 शेयर पे 4 शेयर का बोनस दिया है, 2024 पे 1 शेयर पे 2 शेयर की का बोनस दिया है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स की वैल्यू अनलॉक करवाई है, एटलीस्ट बोनस के तौर पे तो उन्हें काफ़ी अच्छे तोहफे दिए हैं। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल बोनस के तौर पे रख रही है। दोस्तों, इस रिसर्च से ये बात तो साबित हो गई कि कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कर्ज को काफ़ी कम किया है और एफआईज ने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है। कंपनी अपने प्रोडक्ट अपने फील्ड को और आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस के क्षेत्र में भी हाथ पैर मार रही है, उसके लिए उसने एक कंपनी को फॉर्म किया है। ऐसा लगता है कंपनी कर्ज को और कम करने के लिए प्रयासरत है, कर्ज कम होगा तो प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा और इनके प्रोडक्ट की डिमांड अगले 10 से 15 सालों तक बनी रहने वाली है। अगर ये डिफेंस सेक्टर में एंट्री इनको मिल जाती है तो चूँकि ये प्रोडक्ट तो बनाते ही हैं तो ये इन सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी। तो ये अगले क्वार्टर में या फिर उसके बाद वाले क्वार्टर में ही जाके उसके रिजल्ट सामने आने शुरू होंगे। तो जिनके पास में ये शेयर है, मुझे लगता है उन्हें बने रहना चाहिए, और जिनके पास ये शेयर नहीं है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही शेयर खरीदें। और शेयर ये वीडियो ये आपको नहीं कहता कि इस शेयर को बेचो या खरीदो, ये एक छोटा सा रिसर्च है जो आपके रिसर्च की मदद करेगा, और इस रिसर्च की मदद लेके आप अपना रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें।